नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अब नजर करते हैं खबरों की तरफ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसी अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415207728, यानी 9415207728। तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां थाना मुबारकपुर सदर तहसील क्षेत्र के अमूरी गांव में दबंग ने सैयद मजार के रास्ते को बंद कर दिया है। ग्रामीण अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों के आदेश का कर्मचारियों पर कोई भी असर नहीं दिख रहा है। वहीं भ्रष्टाचार में लिप्त कारण को लेखपाल की मिली भगत से कभी भी हो सकती है अनहोनी घटना। आपको बता दें, योगी सरकार भले ही भ्रष्टाचारियों व कर्मचारियों पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, वहीं सदर तहसील के अमड़ी गांव के भू माफिया दबंग व कानूनगो लेखपाल के आगे अधिकारी बौने नजर आ रहे हैं। पीड़ित ग्रामीण नवजीवन संतोष कुमार यादव ने बताया है कि अमड़ी गांव में सैयद मजार पर रास्ता पुराने जमाने से बना हुआ था। गांव के मनबड़ व दबंग भू माफिया द्वारा रास्ता बंद कर दिया गया है। पूर्व में रास्ते को लेकर ग्रामीणों से मारपीट भी हो गई है। ग्रामीण द्वारा SDM ज्ञानचंद गुप्ता को कई बार प्रार्थना पत्र भी दिया गया है। SDM द्वारा कई बार रास्ता हटवाने का भी आदेश दिया गया है। वहीं ग्रामीणों का आरोप है कि भ्रष्ट कानून को वल्लेखपाल द्वारा रास्ते को हटाया नहीं गया। भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत के पदाधिकारी द्वारा मामले को संज्ञान में लिया गया है और SDM से वार्ता किया गया है। SDM ज्ञानचंद गुप्ता द्वारा कार्रवाई करने की बात कही गई है। अब देखना यह होगा कि SDM के आदेश का कितना असर भ्रष्ट कर्मचारियों का होता है। क्या कुछ कहा है ग्रामीणों ने, सुनिए। अध्याय और मैं पेशे से पत्रकार हूँ और राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का प्रदेश महासचिव। मामला हमारे एक मित्र हैं और पूर्व में जिला अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में भी संगठन में कार्यरत हैं। इनकी एक जमीन है जहाँ पर एक सार्वजनिक रास्ता था और सैयद का बाजार था, वहाँ पर कुछ दबंग लोगों ने जबरन रास्ते को बंद कर दिया, जिसको लेकर ये सार्वजनिक हित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लगातार लगभग महीनों से SDM DM के दरबार के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है। SDM साहब आश्वासन देते हैं, आदेश करते हैं, लेकिन निचले अधिकारी जो हैं, लेखपाल हों, नायब तहसीलदार हों, निचला तबका कार्रवाई नहीं करना चाहता। यहाँ तक कि थाने पर गए तो थाने के हमने अभी सुना है कि किसी दरोगा ने इनको धमकी दी है कि मैं ऐसी धारा लगा दूंगा कि ज़िंदगी खराब हो जाएगी। तो अभी योगी सरकार कहती है कि पत्रकारों का उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं होगा और पत्रकारों के साथ इस तरह का मामला सामने आ रहा है। SDM साहब बार बार आदेश करते हैं, आदेश का कोई मतलब है? लेखपाल तक उनकी बात सुनता नहीं है, क्या मतलब है उनके आदेश का? योगी सरकार में इतने बड़े अधिकारी का एक लेखपाल बात नहीं सुन रहा, मनमाना रिपोर्ट लगा रहा है, वीडियोग्राफी है, फोटो है, सारी चीज़ें हैं, उसके बाद भी रिपोर्ट गलत लगा दिया। बार बार जो है SDM साहब के यहाँ ये आ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। अब इस बार SDM साहब से हम भी मिले हैं और बाकी संगठन के अधिकारी मिले हैं। अगर इस बार कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम सीधे मुख्यमंत्री से मिलेंगे लखनऊ जाकर और इस पर जो है फैसला कराएंगे, क्योंकि ऐसा मामला है, मुस्लिम मजार है और वहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों बिरादरी के लोग हैं, दोनों लोगों का रास्ता है। अगर कोई मुस्लिम त्यौहार पड़ता है, रास्ता बाधित होता है, तो वहाँ पे जो बवाल होगा उसका जिम्मेदार कौन होगा? तो इसकी जिम्मेदारी यहाँ के लोगों को लेनी होगी और तत्काल रास्ता साफ कराना होगा। अगर लेखपाल नहीं मानता है तो यहाँ के लेखपाल को बदला जाए, क्योंकि महिला है तो महिला के हो सकता है कि कोई दिक्कत हो, तो उनको बदला जाए। मैं तो ये मांग करूँगा उनको बदला जाए और तत्काल निस्तारण कराया जाए। मेरा नाम विनोद कुमार सिंह, मैं पेशे से पत्रकार हूँ, राष्ट्रीय पत्रकार संघ भारत का प्रदेश प्रभारी कार्यवाह का अध्यक्ष भी हूँ। ये कमल सिंह यादव ग्राम अमरी के रहने वाले हैं और मेरे संगठन में अभी कुछ दिनों पहले पूर्व जिला अध्यक्ष हो गए हैं, लेकिन अब फिर हमारे संगठन के चले गए हैं और उनको कोई पदों से फिर दिया जाएगा आपस में बात होने के बाद। मसला ये है कि इनके गांव में एक सैयद बाबा की मजार है, मजार के रास्ता ये लोग अपने दादी में आपस में लोग समझौते के आधार पर छोड़े हुए थे और इसके बाद जो रास्ता बंद कर दिया गया है, उनके दयाल लोगों ने बंद कर दिया है, जो कि हर बृहस्पतिवार को वहाँ जो है मजार पर मुसलमान आबादी अगर बदल है, लोग आते जाते हैं, जिससे रास्ता बातचीत है, वहाँ कभी भी हिंदू मुस्लिम विवाद हो सकता है। SDM साहब के बार बार आदेश करने के बाद
इंस्पेक्टर लेखपाल कानगो नायब तहसीलदार उनके चार बार मेरे रहते हुए आदेश हुआ है, लेकिन उस आदेश का कोई अनुपालन नहीं कराया गया। और आज फिर हम लोग SDM साहब से मिले हैं, उन्होंने कहा है कि मैं आज रिपोर्ट मंगवा करके अपने खुद संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करता हूँ। अब देखिए आगे क्या होता है, अगर आगे आदेश रास्ता नहीं खुलवाया गया तो हमारा संगठन मजबूर होकर के धरने पर बैठने के लिए बाध्य होगा। कमल सिंह यादव, विशेष पत्रकार। क्या मामला है कि आज SDM साहब के यहाँ आप लोग आए? मामला हमारे गांव के बगल में एक है, सैयद की मजार है, वहाँ पर जाने का रास्ता था, एक गली 10 फुट की गली छोड़ी गई थी, जिसको कुछ गांव के कुछ दबंग व्यक्ति जो है वो अलग उस पर दीवार बना दी, उसको बाउंड्री कर दिया, जाने आने के लिए रास्ता बंद कर, जिसमें SDM महोदय लेखपाल को पुलिस को कई बार आर्डर कर चुके हैं, कम से कम 4 बार तो मेरे पास आर्डर है SDM कर चुके हैं, लेकिन लेखपाल एकदम हिला हवाली करके एकदम जाने को तैयार नहीं है, क्योंकि उस पार्टी से वो पैसा ले चुकी है, इसलिए एकदम हिला हवाली करती है, बात करने पर उल्टा पलटा बोलने लगती है। भाई महिला है, ज़्यादा कुछ कहा नहीं जाता है उसको, उसका दुरुपयोग कर रही है। SDM महोदय से पुनः बात किया जाता है तो कह रहे भाई मैं आदेश कर दिया हूँ, बताइए कोई नहीं जा पा रहा है तो मैं क्या करूँ। उस आदेश के बारे में जब थाने से बात किया गया तो कहे कि हम चौकी पर भेज दिए हैं, क्योंकि वह क्षेत्र चौकी में के अंतर्गत आता है। चौकी इंचार्ज से पूछा गया तो चौकी इंचार्ज ने खुले शब्दों में कहा कि तुम लोग ज़्यादा काबिल बन रहे हो, ऐसी धाराओं में फंसा दूंगा कि ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, तुम लोग पुलिस की धारा जान नहीं रहे। इस तरह की मतलब कई बात को लेकर के वह धमकी दी, जो कि एक रिपोर्ट भी लगाए, 133 में रिपोर्ट भी लगा करके दिए हैं, उसमें दिखा दिए हैं कि वहाँ कोई रास्ता है ही नहीं, जो कि मौके पर वहाँ 10 फुट की गली सामने से दिखाई दे रही है। आज आप लोग यहाँ आए हैं तो SDM साहब क्या? तो हम चाह रहे हैं कि रास्ता की जितनी जल्दी हो सके कि भाई खोली जाए रास्ता, क्योंकि वहाँ संभावना है, बिल्कुल है, क्योंकि वह मुस्लिम मजार है, कभी भी अगर वो गांव में मान लीजिए मुसलमान अगर रहे होते तो अब तक विवाद हो गया होता। थोड़ा सा ये है कि गांव से कुछ दूरी पर मुस्लिम पक्ष है, इसलिए कोई विवाद अभी तक नहीं हो पा रहा है, रोक दबा के रखा जा रहा है। SDM महोदय ने कहा है आज मैं नायब तहसीलदार से रिपोर्ट मंगा करके कार्रवाई कर रहा हूँ, देखिए कहाँ तक सच्चाई है। यदि अगर कार्रवाई नहीं करते हैं इतने आदेश के बाद भी तो क्या आगे रणनीति होगी? आगे रणनीति बनाई जाएगी, जैसा भी होगा मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाला जाए और कार्रवाई किया जाए।